आईटीसी कंपनी की शेयर प्राइस है 250 रुपए और ब्रिटानिया कंपनी की शेयर प्राइस है 2,500 रुपए। ये देख के आपको ये लगा होगा कि ब्रिटानिया कंपनी बड़ी है, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। आज हम देखेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। दोस्तों, सेबी ने 6 अक्टूबर 2017 को सारी कंपनियों को मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर डिवाइड किया, मतलब लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी एंड स्मॉल कैप कंपनी। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब शेयर प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। मानो एक कंपनी है और उसके शेयर की प्राइस है 100 रुपए, उस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर है 10 करोड़। तो अब उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा उसके शेयर की प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर, मतलब 100 रुपए इनटू 10 करोड़। तो उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ 100 करोड़ रुपए। अब हम आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर, और इससे आपको पता चलेगा आईटीसी और ब्रिटानिया इन दोनों कंपनियों में किस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है। इस केस में हम देखते हैं कि आईटीसी के शेयर की प्राइस ब्रिटानिया से कम है, फिर भी वो उससे बड़ी कंपनी है क्योंकि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ब्रिटानिया से ज्यादा है। जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम है, उसे स्मॉल कैप कंपनी कहते हैं, और जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में है, उसे हम मिड कैप कंपनी कहते हैं, और जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा है, उन कंपनियों को हम लार्ज कैप कंपनी कहते हैं। स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना रिस्की होता है क्योंकि वो सारी स्टार्टअप कंपनीज होती है। मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए इतनी रिस्क नहीं होती क्योंकि वो ग्रोइंग कंपनी होती है, और लार्ज कैप कंपनी में हम कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा रिस्क नहीं होता।